दोस्तों मुसलमान कौम हमेशा से ही एक डिसिप्लिन्ड कौम रही है और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर वो खुदादाद सलाहियतें डाली हुई हैं कि मुसलमान अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए बहुत से इजादात कर सकता है। जैसे कि माजी में हमने देखा कि मुसलमान साइंसदानों ने साइंस की दुनिया में कैसे खलबली मचाई हुई थी और हर जगह पर मुसलमानों का सिक्का चलता था। फिर वक्त बदलता गया, वक्त बढ़ता गया और मुसलमान तनज़्ज़ुली की जानिब आते गए और वो जो एक इज्जत और वकार हमारी मुआशरे में होती थी वो कम होती गई। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान आर्किटेक्ट्स इंतहाई ज़हीन होते हैं और इनके पास ऐसे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं जो कि दुनिया में किसी और कौम के पास नहीं होते। लेकिन बदकिस्मती से दीगर अकवाम हमसे वो आइडिया कॉपी करके उसको और रिफाइंड अंदाज में अपने ऊपर यूटिलाइज करती है और वो चीज़ हम लोगों से ज्यादा बेहतर लगने लगती है। इसके मुहर्रिकात क्या है और इसकी वजूहात क्या है वो तो आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन दोस्तों कदीम मस्जिद की दरियाफ्त ने इसराइलियों को फर्त हैरत में डाल दिया है कि ये मस्जिद किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में तामीर की गई। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी मस्जिद के बारे में जो इसराइली या माहिर आसार कदीमा ने दरियाफ्त की है और वो इसको देखकर फर्त हैरत में जा चुके हैं कि इतनी कदीम मस्जिद इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस पर बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम तर अपडेट्स मिलती रहें और आप ऐसे ही बर वक्त हमारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट से आगाह रहें और आपके इल्म में इजाफा होता जाए। दोस्तों जैसा कि हम तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि फलस्तीन पर इसराइल नाजायज कब्जा किए हुए है और वहाँ पर मासूम लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। इसी जमन में इसराइल जो है वो फलस्तीन में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स भी करता है क्योंकि फलस्तीन को अपनी जमीन समझता है। लेकिन फलस्तीनी कौम अपने दिफा और अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते भी रहेंगे, चाहे इसराइली उनको जितना मर्जी दबाने की कोशिश करें, जितना मर्जी उनको मारें पीटें। लेकिन उसके बावजूद फलस्तीनी कौम फलस्तीन को इसराइल के हाथों में नहीं दे सकती। तो दोस्तों इसराइली माहिरीन आसार कदीमा ने एक ऐसी मस्जिद दरियाफ्त की है जो कि इसराइल की सरजमीन में आती है और वो इतनी कदीम मस्जिद है कि जिसको देख कर तमाम जो माहिरीन थे वो दंग रह गए कि आखिर ऐसी मस्जिद कैसे तामीर की जा सकती है। दोस्तों माहिरीन आसार कदीमा इस वक्त वर्त हैरत में पड़ गए जब सहरुल नकब में उन्हें कदीम तरीन मस्जिद के मुकम्मल और भरपूर आसार मिले। मुसलमानों की मस्जिद का रुख काबल्लाह यानी मक्का मुकरमा की जानिब है। माहिरीन को यकीन है कि ये मस्जिद 7वीं या 8वीं सदी में तामीर हुई होगी। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक तारीखी हवालों से साबित हुआ है कि मौजूदा इसराइल में जिस जमीन पर वाकई है इस पर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक के दौरे हुकूमत में 636 सनी ईस्वी मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। इसराइली ज़राए इब्लाग के हवाले से जर्मनी के नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मस्जिद की दरियाफ्त को इसराइली माहिरीन आसार कदीमा ने इंतहाई हैरानकुन करार दिया है। जनूबी इसराइल में फैले सहराई इलाके में 1200 साल पुरानी मस्जिद की बाकियात अरब बुदुओं की बस्ती वाली शहर राहत के करीब से मिली है। इसराइली ज़राए इब्लाग के मुताबिक माहिरीन आसार कदीमा जॉन सलीगान और शहजोर का मस्जिद की तामीर के मुतालिक कहना है कि 7वीं या 8वीं सदी में तामीर हुई होगी। माहिरीन के मुताबिक मिलने वाली बाकियात से मालूम होता है कि छोटी मस्जिद होगी लेकिन अपने तर्ज तामीर से जदीद दिखाई देती है, मगर इसको गालिबन दुनिया की कदीम तरीन मस्जिद में शुमार किया जा सकता है। इसराइली माहिरीन आसार कदीमा का दावा है कि इस जैसी मस्जिद के बाकियात दुनिया के किसी और खित्ते से बरामद नहीं होते, जो इंतहाई हैरानकुन बात है। और शहूरजोर के मुताबिक मस्जिद का ढांचा मुस्ततिल ऊपर से खुला हुआ है और नमाज पढ़ने के मकाम पर मेहराब निहायत वाज़े है। इसराइली माहिरीन ने तस्लीम किया है कि मस्जिद की मेहराब का रुख मक्का मुकरमा की जानिब है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि 1200 साल कबल इसको इलाके के मुसलमान किसानों ने तामीर किया होगा। दोस्तों इसराइली ज़रा अबलाग के मुताबिक माहिरीन आसार कदीमा कुजुन ओनी यकीन रखते हैं कि मौजूदा इसराइल में दरियाफ्त होने वाली ये दुनिया की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है। मस्जिद के साथ ज़रई फॉर्म के आसार मिले हैं जिसके साथ आबादी के निशानात नुमाया हैं। आबादी में बने हुए मकानात खासी अहमियत के हामिल करार दिए जा रहे हैं। ज़रा इब्लाग के मुताबिक मिलने वाले मकानात के आसार में गोदाम, बावर्ची खाना और मेहमान खाना नुमाया हैं। दोस्तों जिस कदीमी मस्जिद को तलाश किया गया है वो इसराइली सहरा अल नकब में वाक़े है। इस दरियाफ्त को इसराइली माहिरीन आसार कदीमा ने इंतहाई हैरानकुन करार दिया है। जनूबी इसराइल में फैले सहराई इलाके में इस 1200 साल पुरानी मस्जिद की बाकियात अरब बुदुओं की बस्ती वाले शहर राहत के करीब से मिली हैं। आसार कदीमा की तलाश के सिलसिले में खुदाई करने वाले माहिरीन जॉन सलीगमान और शहरुर जूर ने मस्जिद का सन तामीर 7वीं या 8वीं सदी करार दिया है। उनके मुताबिक ये एक छोटी सी मस्जिद है लेकिन तर्ज तामीर से जदीद दिखाई देती है।
اس قدیمی مسجد کو دنیا بھر میں امکانن قدیم ترین مساجد میں شمار کیا جا سکے گا۔ دوستو ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں اس قدیمی مسجد جیسا کوئی نمونہ دستیاب نہیں ہوا ہے اور یہی پہلو حیران کن ہے۔ اسرائیلی صحرائی علاقے میں بیر السبع سب سے بڑا شہر ہے، اس میں 200,000 سے زائد نفوس بستے ہیں اور لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو ماہرین کے مطابق مسجد کا ڈھانچہ مستطیل شکل کا ہے اور یہ اوپر سے کھلا ہوا ہے، اس میں نماز پڑھنے کے لیے مقام ایک محراب بھی واضح طور پر موجود ہے، اور ماہرین نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ سحراب کا رخ مکہ کی جانب سے ان ماہرین کا خیال ہے۔ دوستو ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس محراب کا رخ مکہ کی جانب ہے۔ ان ماہرین کا خیال ہے کہ اس مسجد کو 1200 برس قبل علاقے کے مسلمان کسانوں نے تعمیر کیا ہوگا اور وہی استعمال کرتے رہے ہوں گے۔ ایک اور اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ گچون اوینی کا کہنا ہے کہ موجودہ اسرائیل میں دستیاب ہونے والی یہ قدیم ترین مسجد ہے اور یہ دنیا کی پرانی ترین مساجد میں شمار کی جا سکتی ہے۔ یہ امراہم ہے کہ موجودہ اسرائیلی علاقے پر دوسرے مسلمان خلیفہ حضرت عمر کے دور میں یعنی سن 636 میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ اسی طرح اس مسجد کے پہلو میں ایک زرعی فارم بھی ملا ہے، امکان 6ویں یا 7ویں صدی کا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک آبادی کے آثار بھی ملے ہیں جس میں مکانات خاص طور پر اہم ہیں۔ ان مکانوں میں گودام، کچن اور مہمان خانہ وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں جو کہ یقینی طور پر دیکھنے لائق ہیں، اور جو ان کو دیکھتا ہے اس کے سحر میں گم ہو جاتا ہے۔ دوستو واضح رہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے اور وہ فلسطینیوں کو کسی سطح بھی سر اٹھانے نہیں دیتے، لیکن دوستو اسرائیل کے اندر سے مسجد کی تعمیر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جس جگہ پر آج اسرائیل قائم ہے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہ چکی ہے، اور مسلمان یہاں پر اپنے لیے مساجد کی تعمیر کیا کرتے تھے تاکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ سکیں۔ دوستو آثار قدیمہ کی تلاش کے سلسلے میں کھدائی کرنے والے ماہرین نے مسجد کا سن تعمیر 7ویں یا 8ویں صدی قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے لیکن طرز تعمیر سے جید دکھائی دیتی ہے۔ اس قدیمی مسجد کو دنیا بھر میں امکانات قدیم ترین مساجد میں شمار کیا جا سکے گا۔ اس مسجد کے واقعات صحرا النقب میں واقع بڑے شہر بیر السبع یا بیر الشیوا کے شمال میں سے ملی ہیں۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں اس قدیم مسجد جیسا کوئی نمونہ دستیاب نہیں ہے اور یہی پہلو حیران کن ہے۔ تو دوستو آپ نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے اسرائیل میں کھدائی کرتے ہوئے آثار قدیمہ کی ٹیم نے دنیا کی سب سے قدیم ترین مسجد کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میں اس امید کے ساتھ آپ سے جانے کی اجازت چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں گے، اور اس کے علاوہ آپ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جائیں گے اور ہماری اسی طرح حوصلہ افزائی کریں گے، کیونکہ دوستو جب آپ کمنٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک اور ول پاور انکریز ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہم اور زیادہ ایفرٹس پٹ ان کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کم وقت میں زیادہ کوالٹی کام پرووائڈ کر دیا جائے۔ دوستو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ان سے سبسکرائب کرنے کا بھی کہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔